हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक। क्लास सिक्स यूनिट थ्री संख्याओं के साथ खेले यानी प्लेइंग विद नंबर्स हम कर रहे हैं। अभी आज हम यहाँ पे शुरू करें एक्सरसाइज 3.6, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे और ये तीनों क्वेश्चन कवर करने के साथ हमारा 3.6 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, राइट। अगर आपको 3.5 तक अगर कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो मैंने सारे क्वेश्चन 1 to 1 सारे क्वेश्चन मैंने उनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि आपके आपको यूट्यूब यानी मैथ्स ऑन टिप्स टाइप करते ही आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए देखते हैं हम यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कैसे करना होता है। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर निम्न की संख्याओं के महत्तम समवर्तक ज्ञात करना है आपको। क्या महत्तम समावर्तक, यानी देखो यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा हुआ है म और सा। म मतलब महत्तम और सा मतलब समावर्तक, राइट। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं सबसे पहले आपके बुक के डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ देता हूँ कि महत्तम समावर्तक का डेफिनेशन क्या दिया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का और जो डेफिनेशन वो क्या दिया है, वो कहते हैं दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का क्या होता है, महत्तम समावर्तक होता है, राइट। देखते हैं इसको इस डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्व करके देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन यानी जो ए पार्ट है वो 18 और 48 दिया हुआ है। क्या 18 और 48, ठीक है। तो मैंने 18 का क्या करना है, मेरे को 18 का गुणनखंड करना शुरू करना है, 2 × 18, फिर मैंने क्या किया 3 से क्या 3 × 9, ठीक है। फिर मैं 48 क्या करूँगा, तो मैंने 2 से क्या 2 × 4 2 × 4 8, फिर मैंने 2 से क्या 2 × 1 2 × 2 = 4, फिर मैंने 2 से क्या 2 × 12, और फिर मैंने 2 से क्या 2 × 3 = 6, राइट। अब 18 का गुणनखंड करना है मेरे को, 18 क्या हो गया, देखो 18 का मुझे ऐसे लिख लेना है जो उसकी गुणनखंड करने से आया, तो मैं इसको 2 × 3 × 3 यानी गुणन के रूप में दिखा, इसके जो गुणनखंड है उसको गुणन के रूप में दिखा देना है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को 48 का जो गुणन यानी 2 × 2 × 2 × 2 × 3 मैंने दिखाया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में मैच करना है कि इन दोनों में जो संख्या है वो सार गुणनखंड कौन से, यानी सारे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखा मैंने यहाँ पे, देखो 2 और 2 के साथ मैच हो गया, ठीक है। ये वाला जो 3 है वो इस 3 के साथ मैच हो गया। अब यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा बचा, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, और यहाँ पे 3 बार 2 बच रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। तो यानी अब हम किसी को भी सार गुणनखंड ग्रुप में नहीं मैच कर सकते, यानी कोई मैच नहीं हो रहा, यानी सिर्फ ये 2 जो ये जो 2 था वो मैच हुआ और ये 3 था वो मैच हो गया, ठीक है। तो यानी इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा, इसका जो महत्तम समावर्तक हो जाएगा आपके पास, महत्तम समावर्तक हम बोल सकते हैं इसको, महत्तम समावर्तक हो जाएगा आपके पास 2 × 3, यानी आपके पास हो गया 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो ए पार्ट मैंने खत्म किया। अब यहाँ पे देखो मैंने वैसे इस क्वेश्चन में कितने पार्ट है, 10 पार्ट दिए, तो मैं 10 पार्ट नहीं करने जा रहा, मैं इसके 4 पार्ट आपको करके दिखाऊंगा और बाकी सारे पार्ट आपको खुद करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी पार्ट है आपके पास, बी पार्ट आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 और 72, ठीक है। 30 और 72 का सार गुणनखंड हमें याद, वो महत्तम समावर्तक याद करना है। तो मैंने लिखा 30, देखो 30 का मुझे क्या करना है, छोटा अंक क्या ले लें, 30 के लिए 30 को कौन सबसे छोटा अंक काटेगा, ये 2 इन 15 आ गया, फिर देखो ये 2 से तो कटेगा, 3 × 15 आ गया, ठीक है जी। फिर मैंने ले लिया 72 को पकड़ा, तो 2 से किया तो 2 × 6 = 12, फिर 2 से किया तो 18, फिर 2 से किया तो 2 × 18, फिर 3 से करना पड़ा 3 × 9, राइट। और अब देखते हैं यहाँ पे 30 का क्या आ गया, देखो 2 × 3 × 5, और यहाँ पे देखो 72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 ×, देखो ये जो लिखा हुआ ना कि सारे अंक लिखना होता है गुना में, है ना, 3 × 3। अब देखते हैं इसमें मैच क्या हो रहा है, जो मैच हो रहा होगा वही इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक हो जाएगा, यानी कॉमन क्या मिल रहा है, देखो 2 और 2 मिल गया, फिर यहाँ से 3 मिला और यहाँ से भी 3 मिला, देखो यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ 5 नहीं है, और यहाँ पे अंक भी बच रहे हैं 2 × 3 × 2 × 2 × 3, लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 और 3 नहीं है जिसको जिसके साथ में इन दो को और इन 3 को मैच कर पाऊँ, यानी मैच कर दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो महत्तम समावर्तक हो गया, यानी महत्तम समावर्तक यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, 2 × 3, तो ये आ गया आपके पास आगे 6, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो थर्ड जी पार्ट है, ये आपके पास 70, 105 और 172 जी पार्ट जो आपके पास यहाँ पर देखो एक दिया हुआ है, जी आपके पास यहाँ पर 70, 105 और 175, ठीक है, ये 3 दिया हुआ है। तो इन 3 संख्याओं का मुझे क्या करना है, सार गुणनखंड ज्ञात करना है, ठीक है। तो सार गुण सॉरी महत्तम समावर्तक ज्ञात करना, तो महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करेंगे, उसी तरीके से मैंने किया, मैंने पहले सबसे पहले इसको मैंने सबसे छोटी अंक यानी 2 से किया, तो ये आ गया आपके पास 35, ठीक है। फिर मैंने इसको किससे किया, 5 से किया 5 × 35, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे किया 105 ले लिया, मैंने यहाँ पर 105 आपके पास इस तरीके से, तो मैंने किया 5 से किया 5 × 5, ठीक है। फिर मैंने किया 5 × 7 = 5, 5 + 3 किससे हो जाएगा, 3 से हो जाएगा,
पांच दिन पांच कम पांच, तीन से क्या, तीन सत्ते 21, ठीक है, तो ये मैच हो गया। फिर मैंने क्या ले लिया, 175 ले लिया आपके पास, अगर आप ध्यान दो तो मैंने 75 लिया, तो ये देखिए ये भी पहले पांच से भाग होगा, पांच या 15 पचम 25 और ये होगा 5 7 35, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके क्या किए, टुकड़े कर दिए। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इसका कॉमन फैक्टर्स याद करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो 70 को यानी 2 गुना में 5 गुना में 7 के फॉर्म में लिख दिया, 105 को मैंने 5 गुना में 3 गुना में 7 के फॉर्म में लिख दिया, और उसके बाद फिर मैंने 175 को 5 गुना में 5 गुना में 7 के फॉर्म में लिख दिया। अब मुझे क्या देखना है कि इनमें ये जो इसका कॉमन फैक्टर निकल के आया है इसमें क्या मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पे मैच क्या हो रहा है, देखो 2 यहाँ पर है लेकिन 2 किसी के पास नहीं थी, लेकिन 5 ये 5 और ये 5 तीनों के पास है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए कॉमन हो गया। यहाँ पे देखो 7 ये 7 और ये 7 तीनों के पास ये मैच हो गया, और कोई भी चीज मैच नहीं हो रहा, तो इसका महत्तम समावर्तक हो जाएगा आपके पास, यानी महत्तम समावर्तक हो जाएगा इसका 5 गुना में 7, ये जाएगा आपके पास 35, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैंने इस एग्जाम्पल के लिए लिया हुआ है, 3 अंकों के लिए एक और क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के लिया हुआ है आपका 18 54 और 81। तो मैं देखता हूँ 18 को कैसे करते हैं हम लोग, 18 आपके पास यहाँ पर 18 है, 18 क्या है इसके, और ये जो है आई पार्ट है आपके पास ना, आपके बुक में आई पार्ट है 18 54 और 81, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, 18 का सबसे पहले मैंने लिया तो 2 9 18 हो गया, फिर मैंने 3 6 3 3 9 हो गया, ठीक है जी, फिर मैंने 54 का लिया तो ये 2 7 27 हो गया, और फिर मैंने क्या किया 3 7 27 हो गया, ठीक है जी, फिर मैंने क्या किया 3 3 27 हो गया, और फिर 3 6 3 3 है ना, इस तरीके से हो गया। फिर मैं 81 ले सकता हूँ आपके पास यहाँ पर, 81 लिया तो क्या गया 3 2 6 और 3 7 21, फिर मैंने 3 से लिया 3 9 27 और फिर क्या गया 3 3 9 हो गया, ठीक है जी। फिर देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, 18 को क्या लिख लिया 2 गुना में 3 गुना में 3 के फॉर्म में, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने 54 को ले लिया 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 के फॉर्म में, ठीक है, और 81 को ले लिया मैंने 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3 के फॉर्म में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर मैं, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर तो है, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, फिर से यहाँ पे 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 3 नहीं बचा और यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 बच भी रहा था, लेकिन तीनों के पास ऐसा कोई संख्या नहीं जो कि मैच हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया, महत्तम समावर्तक हो गया आपके पास, यहाँ पर महत्तम समावर्तक हो गया आपके पास 3 गुना में 3, तो यानी आ गया आपके पास 9, राइट। तो इस तरीके से आई होप कि आपके पास ये जो क्वेश्चन है महत्तम समावर्तक निकालना आपको आ गया होगा, इसमें 10 पार्ट आपको दिया हुआ है और आपके सारे पार्ट्स आपको क्या करना है, खुद करना है, और आपसे कर पाएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे वीडियो, इस वीडियो कमेंट में लिखकर दिखाना, लिखकर लिखना है कि ये क्वेश्चन इस पार्ट का भी आप वीडियो बना दो, तो मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, तो निम्न का महत्तम समावर्तक क्या है, दो क्रमागत संख्या का मैं आंसर देखो यही लिख दूंगा, लेकिन आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्या कहा जा रहा है। कहते दो क्रमागत संख्या, देखो दो क्रमागत संख्या ए के लिए ना, ए के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो क्रमागत संख्या हो गई आपके पास, माना दो क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, कर्म मतलब एक साथ आ रहे हो, तो एक साथ लेने के लिए आप ले 4 और 5 ले लें, सपोज 4 और 5, ठीक है, तो 4 और 4 का ये क्रमागत क्रम में आ रहा है, तो यानी 2 3 4, और देखो 5 का क्या होगा, 5 1 5, तो यहाँ पे 4 बराबर क्या होगा 2 गुना में 2, तो और यहाँ पे 5 क्या होगा 5 गुना में, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। और जहाँ पे कॉमन नहीं मिलता, जहाँ पे एक भी फैक्टर कॉमन नहीं मिलता, वहाँ पे जो एचसीएफ होता है वहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। देखो मैं 1 यहाँ पे अपने आप भी लिख सकता हूँ ना, अपनी तरफ से भी लिख सकता हूँ कि 2 गुना में 2 गुना में 1, तो क्या फर्क पड़ेगा, वही पड़ेगा, जैसे मान लो 2 1 2 भी लिखा जा सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉमन मिल क्या रहा है। देखो ऐसा कभी नहीं होता कि महत्तम समावर्तक कभी किसी भी संख्या का 0, ऐसा नहीं होता, कम से कम महत्तम समावर्तक आपका 1 आएगा, 0 कभी नहीं आता, ठीक है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका देखो 1 और 1 यहाँ मैच हो गया, तो इसके लिए महत्तम समावर्तक क्या हो गया आपके पास, इसका जो महत्तम समावर्तक हो गया आपके पास 1 हो गया, ठीक है जी। तो इसका दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होता है, आपके पास 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दो क्रमागत सम संख्या, तो आप क्या कर सकते हो, माना इसका जो बी पार्ट मैं कर रहा हूँ, दो क्रमागत सम संख्या हो गई आपके पास, देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4 और 6 ले लिया, ठीक है, तो फिर मैंने 4 का निकाला, 2 2 4 है ना, अब क्या कर सकते हैं 2 1 2 भी ऐसा कर सकते हो, और फिर मैंने 6 ले लिया, 2 3 6 ऐसा भी कर सकते हो, 3 1 3 नहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना, 1
दिखा भी सकते हैं सर के तीन निकलते हैं और नहीं तो ऊपर भी यहाँ पे रोका जा सकता है। तो चार बराबर क्या होगा, दो गुना में और छः क्या हो गया, देखो दो गुना में तीन गुना में, ठीक है। तो मैच क्या कर रहा है इन दोनों में देखो मैच क्या कर रहा है आपके पास, ये और ये और एक ना, एक वैसे एक हम दिखाते नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ दिखा दिया क्योंकि कई बार क्या हो रहा है कि कुछ मैच नहीं हो रहा तो वहाँ पे एक लिखना बहुत जरूरी है, आपको समझ में आए कि महत्तम समर्थक किस तरीके से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इस सवाल में क्या हो गया कि जो महत्तम समर्थक है, तो महत्तम समर्थक हो गया आपके पास यहाँ पर जो मैच क्या हो रहा है, दो गुना में यानी दो हो गया, ठीक है ना, यानी दो क्रमागत सम संख्या को जो महत्तम समर्थक हो क्या होगा, दो होगा। अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूँ यहाँ पे जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट में दो क्रमागत विषम संख्या है ना, तो आपकी विषम दो क्रमागत विषम संख्या होनी चाहिए। तो माना दो क्रमागत विषम संख्या, क्रमागत मतलब क्रम में आ रहा हो, एक इकट्ठा आ रहा हो, तो पांच और सात ले लो आप, मैं पांच सात ले रहा हूँ, आप तीन पांच भी ले सकते हो, क्रम में होना चाहिए, सात नौ ले सकते हो आप, क्रम में होना चाहिए बस। तो जब आप इसका भी आप जब निकालेंगे इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जब आप इसे मैच करेंगे तो आपका महत्तम स्वार्थक क्या आएगा, एक आएगा। तो आपको ये क्या करना है, खुद करना है, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला जो पार्ट है थर्ड पार्ट आप खुद कर लेना। तो देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर एक है, इसका आंसर दो है, और जब इसका आंसर आप निकालेंगे तो इसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा, एक ही आएगा, इस बात में कोई शक नहीं, राइट। हम यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो कहते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो से अभाज्य यानी चार और पंद्रह का महत्तम स्वार्थक इस प्रकार ज्ञात किया गया, यानी जब हमने चार को किया तो कहता है चार को हमने किया, इसका सॉल्यूशन देखो लिख कर दिखाया, जो चार का किया होगा तो कैसा आया होगा, ऐसे दो दुनी चार, तो चार का क्या होगा, दो गुना में दो, ठीक है जी। ऐसे पंद्रह का उन्होंने किया होगा तो क्या होगा, तीन पंजे पंद्रह, तो क्या तीन पंद्रह का क्या आ गया आपके पास, देख रहे हो यहाँ पे पंद्रह का आ गया तीन गुना में पाँच। तो आप कह रहे हो कुछ मिल तो रहा नहीं है इन दोनों में, कुछ मिलता नहीं क्योंकि इन संख्या गुणखंड कोई अभाज्य सार गुणखंड नहीं है, इधर चार और पंद्रह का महत्व सर तो शून्य है। क्या ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कुछ भी नहीं मैच हो रहा, कुछ भी मैच नहीं हो रहा, तो इसके इसके पीछे आप गुना में एक लिख सकते हो, गुना करें, अगर गुना एक लिख दूंगा तो दो दूनी चार, चार एकम चार, वापिस चार ही आएगा, तीन पंचे पंद्रह, पंद्रह एकम पंद्रह, पंद्रह ही आएगा। तो कुछ नहीं मैच हो रहा तो क्या मैच हो रहा है, एक मैच हो रहा है इन दोनों के पास। तो कभी भी जो महत्तम समवर्तक है किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का जो महत्तम समवर्तक है, चाहे वो दो संख्या हो, चाहे तीन संख्या, चार संख्या हो, किसी संख्या का जो महत्तम समवर्तक है वो कभी भी जीरो नहीं आता, कम से कम महत्तम समवर्तक एक जरूर आएगा। तो इस संख्या का, तो यहाँ क्या बोला गया, क्या ये उत्तर सही है, तो नहीं, यह उत्तर सही नहीं है, यह उत्तर सही नहीं है। फिर कहता है यदि नहीं तो सही उत्तर क्या, तो सही महत्तम समर्थक है आपके पास, सही महत्तम समर्थक ये आपके पास क्या है, एक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करते हैं, आपका 3.6 यहाँ पर क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो क्या करना है, यस अपने दोस्तों अपने भाई बहनों को शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से इसको फायदा मिल पाए, इस वीडियो से फायदा मिल पाए और वो भी बन जाए मैथ में एक्सपर्ट, राइट। तो आपको भी मैथ में एक्सपर्ट बनना है और इस चैनल के साथ क्या रहना है, बने रहना है, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल के साथ नए हो तो नए हो तो आप इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। और अगर आप मेरे चैनल के साथ पुराने हैं तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज इस चैनल के साथ बने रहना है आपको, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप 6ठी से लेकर 12वीं तक के सारे मैथ के सवाल इसमें अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।